पताल में गिर सकता हूँ मैं ज़मीन गड्ढो उसमें गिर जाऊँ मैं हमारे ना कुछ लोगों से है, बस हीरो, -हीरो कीमिस्ट्री तो मुझे लगता है केमिस्ट्री केमिस्ट्री ही होती है वैसे उसके साथ लूर लूर पिरती रही पूरे पाकिस्तान में हिंद से सिंध तक गई है ये औरत

क्या हुआ? <coughs> एक तो ना रोज़ों से नींद नहीं आती पता है रात को तीन बजे फ्री था एंड मैंने कर ली, 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 ली। फिर मैंने कहा नहीं भाई बाढ़ में जाए सब कुछ मोबाइल यूज करता रहा ये करता रहा वो करता रहा बीच में चाय बना के पी बीच में ठीक है तो तो मतलब नहीं आई नींद। बजे 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 फिर फिर आज हमने मूवी मूवी देखनी देखनी थी, थी, दगाबाज दिल। और और भी देखनी थी। कुछ भी कुछ ड्रामे देखने थे। तो मैं सोके दस दस ना उठ गया। जी। और उस वजह से मैं स्लीपी। चले तो ये अभी हम हाँ। पॉइंट्स पे आते हैं। हाँ। बुखार टाइप भी है पता नहीं क्या होती है ऊपर से नहीं इस दफा तो मौसम क्या इतनी मुझे नजर लगती है <laughs> <laughs> हाँ. या पता नहीं जो भी है क्योंकि ईद पे मेरी बड़ी गहमा गहमी चीजें रहती काफी है बाकी चीजें रहती है ईद हाँ, हाँ. अच्छा वैसे हाय वो हाउ योर ईद माय ईद वाज वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह योर ईद वाज वेरी हैप्पी इस hectic. दफा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो जिंदगी में पहली दफा ईद शूट की It was so good. मैंने, मैंने तो मुझे तो बड़ा पसंद आया। अब आप हर साल कहते हैं कि ईद मनाओ 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 मैंने कहा फिर इस दफा मना ही लेते हैं। हा, हाँ, हाँ, हाँ. तो मैंने फिर कुर्ता पहना शलवार पहनी फिर दोस्त दोस्त आए हुए थे सुबह सुबह तो मैंने कहा आज भाई लग जाओ काम पे मजदूरी पे लग जाओ शूट करो <laughs> नहीं हम देंगे हाँ, 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 वो हम लगाएंगे अपने इंस्टा जरूर जरूर जो है वो उसके ऊपर जी तो अलहदुल्लह मेरा जो है वो बखेर वाफियत से हाँ। गुज़रा फिर मेरा बड़ा हेक्टिक गुज़रा चुके आ, घर वाले आ गए तो फिर वो आपको पता है कि वो बच्चे कहते हैं कि हमने तो मामू के हाथ का खाना खाना है तो फिर मैंने भी कहती हैं कि चलो हम अपने घर में खाना पकाती रहती हैं तो इस दफ़ा है तो थोड़ा सा तुम्हारे हाथ का तो किचन में और एवरी थिंग यू नो तो फिर इसके होश में मेरे जो है वो माई ईद वॉज़ वेरी गुड मैंने काफ़ी अर्से बाद कोई फैमिली में प्रॉपर वाली ईद गुज़ारी एक तो मेरे शूट्स अच्छा शूट कभी ना पूछेगा कब होते हैं कैसे होते हैं वो है, बस है? वो बस शूट्स होते, वो शूट्स होते हैं <laughs> हैं मुझे आप आप पे है। है। ये देख ले ठीक खैर कभी मैं मैं तो आपको पता है मेरे से कुछ नहीं छुपता मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया और मुझे शौक भी नहीं है छुपाने का और मुझे फेक बनने का शौक भी नहीं है वो ईद वो ईद से पहले शूट मैं पहले बता दू एक दिन पहले एक दिन पहले और तीन चार घंटे में तीन चार जगहों पे ज्यादा जाना होता है और वो लाइक सुबह हाँ। सुबह निकल बोस बोस क्या दो दफा से पिछले दो सालों से वो भावलपुर में हाँ, मेरा हाँ, कजन है हाँ, सलमान वो हाँ, एक अच्छा हाँ, फोटोग्राफर बिल्कुल हाँ, उसकी कोई वहां पे भावलपुर हाँ. में एक अच्छा सा एक सेटअप Set है, 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 जिसमें है, उसके है, पास तीन चार फोटोग्राफर्स हैं और एडिटर्स हैं है, और वो बड़ा अच्छा सो ही वेरी गुड फ्रेंड ऑफ सिंस वी आर लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स खैर अब उसकी शादी होगी उसके, उसके बच्चे होंगे हाँ, वो जाओ दफा हो जाओ तुम्हारी <laughs> तुम्हारा मेरे से कोई लिंक नहीं है उसके बाद उसके साथ मेरे शूट होते हैं यूजुअली उससे पहले इट वाज ऑन फोन आईफोन uh, uh -huh. आप आप मेरे साथ जब से आपने नोट किया होगा आई एम ऑलवेज वेरी क्रेजी अबाउट 8 फोटोस 8 फोटोस अह यूजुअली लोग मुझे बड़ा तंकीद का भी निशाना बनाते हैं आई डोंट माइंड उसकी मैं हमेशा पहले मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती थी मुझे लगता था इट्स जस्ट लाइक शो ऑफ करना बट हमारे यहाँ ये शुरू से एक कल्चरल uh -huh. या कह लो कि एक फैमिली ट्रेडिशन था uh -huh. आई uh, होप आप लोगों के घरों में भी होगा कि जब हम छोटे होते थे तैयार होते थे तो पहला काम भी होता था, कि आप फोटो में था हाँ, हाँ, थे। पुरानी जिसमें बचपन की कोई ना कोई तस्वीर होती है लास्ट टाइम मैंने दो लगाई इससे मैंने एक लगाई सो वेन जस्ट टू लाइक क्लैरिफिकेशन वैसे तो बनती नहीं है बट येस इन गिवन सरगम साथ जब यहाँ पे आपको बहुत महंगाई नजर आ रही है वो सारा तफरीक है एक डिफरेंट हाँ. तो लोगों को ये ना है, कि हाँ, ठीक। yes, हाँ, ठीक है? हाँ. हमारे पास इतने इवेंट्स नहीं होते जिनको हम दिल खोल के उंगली ना उठाए वो अलग बात है पे भी उंगलियां उठ जाती है, है।, है।, है ठीक है लेकिन फिर भी वो है जहाँ वो पहले एक जोड़े से होता था वो दो जोड़े फिर तीन जोड़े चार जोड़े अब मेरी मर्जी है ना इट्स माई थिंग आई लव टू कोई ना कोई पैशन होता है आपकी लाइफ में जरूर कुछ लोगों को गाड़ियों हो का होता है कुछ लोगों को जमीनों हो का होता है कुछ लोगों को कार्ड्स का होता है मुझे बर्तनों का बर्तनों का उसके पैशन के ऊपर स्पेंड करने के हवाले से नहीं रो, नहीं कर, करना भी नहीं चाहिए, so, चाहिए। yes. so, uh, मजेदार हाँ। मुझे तो बड़े अच्छे लगे बहुत, बहुत, अच्छे, आ, बहुत अच्छे। uh, मैंने इस बार थोड़े डिफरेंट हाँ, भी पहने हाँ, 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 आपने जिनमें से एक जो थी मेरी खाला आप जानते हैं जो मेरी एक इतना गहमा गहमी वाला नहीं होता था तो हमारा बचपन बहुत ज्यादा उस स्टेशन पे गुजरा है तो वो स्टेशन अब अब हो गया है सो वहां बस बगदाद बगदाद लिखा हुआ है और बाकी वहाँ पे बिल्डिंग शिल्डिंग है सो आई थॉट वाई नॉट एक तो वो वहाँ पे किया फिर एक जंगल में जाके हाँ, किया बिल्कुल uh, वो आपने ग्रीन वाला जो देखा uh, फिर एक सरसों के खेत में सरसों के खेत uh, में गंदुम के खेत गंदुम सरसों, सरसों के खेत फिर खे, खे, वो तो पीला ही पीला होता है हाँ, सरसों के खेत <laughs> का फैशन नहीं फैशन कह रहा हूँ मौसम नहीं है गंदुम इसलिए क्योंकि अप्रैल अच्छा हर शूट की ना एक ना एक सेंस भी है गंदम इसलिए क्योंकि अप्रैल इज विशाख का महीना और विशाखी में गंदम काटते है तो हैं हमारे यहाँ मेला लगता है जब मैंने जब हम जा रहे थे तो जब बहुत सारी गंदम देखते हैं गंदम को इंक्लूड किया जाए इन के साथ उसको कंबाइन किया जाए तो एक वो था फिर एक जो है दो जनैरिक से थे एक जो था लास्ट टाइम मेरे मेरी जब तनकीद हुई तो मैं डिप्रेस हो गया फिर मैंने इंस्टाग्राम में पोस्टिंग भी बंद कर दी क्योंकि किसी ने मुझे वो वाली बकवास की आपकी शेलो लाइफ है और लाइक आप तो इस तरह से शूट कराते हैं बलाना डिमकाना मैंने उसको जस्टिफिकेशन दी कि हाँ। भाई नहीं ये हर कोई कराता है अब हाँ। ये कि आपके मसाइल ज्यादा है आप अपने मिसाइल के हिसाब से हिसाब से करेंगे ना ठीक हाँ। है सो so, उसमें एक जोड़ा मेरा लास्ट टाइम जो लेटेस्ट कलेक्शन हाँ। का जोड़ा था वो पिछले साल हाँ। मैंने नहीं पोस्ट किया था फिर मैंने इस दफा कहा कि एफ ओ Why not? Why not? मैंने फिर उसका भी तस्वीर ली और फिर हाँ। एक जोड़ा जो था लास्ट जो भावलपुर में फेमस एक रेस्टोरेंट है लिब्रा हाँ। के नाम से तो एक पंद्रह yes, yes, yes. nice. yes. yes. अच्छा, साल के बाद अपनी नानी के घर में ईद मनाई okay, okay. जो मेरी नानी का ओरिजिनल घर था जो मेरे नाना नानी जहाँ पे हमने जो कि गांव है बेसिकली जो गांव में मैंने ईद दैट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक मैं अपनी भी से बोल रहा था कि हमने तो यहाँ पे अपना बचपन गुजारा है और हम यहाँ पे अपने पंद्रह साल बाद आए हैं आपका बचपन भी तो यहीं गुजरा है हा, हा, जो हम फील कर रहे हैं आप हमसे कितना ज्यादा फील कर रहे होंगे कि आप अपने घर आए हुए हैं सो दैट वाज वेरी गुड कजिंस के साथ हमने म्यूजिकल चेयर खेली हमने पता नहीं क्या-क्या गेम्स नहीं खेली वहां पे ईद का एक समा था बच्चे मांगने थे और

की हैं हाँ हाँ मैंने की हैं इस दफा अच्छी बात so, वो आ, फिर उसके बाद जब सब जब सब डाउनफॉल पे जा रहे एक वाक्य है वो मीनिंगफुल में हम डिस्कस हाँ। करेंगे इधर नहीं कर रहे प्रीत वाला है प्रीत वाला अच्छा। और अभी वो जो एक दगाबाज दिल वाला हाँ। है वो, वो भी वो भी हम उधर कर लेंगे हाँ। तो ये मेरे ओवरऑल ईद गुजरी वैसे आज हमने सोचा था मैंने सोचा था माय माय आइडिया वाज कि हम आज

क्योंकि मेरा तो वैसे का वैसे पड़ा आपको पता है मैंने दो तीन घंटे पहना है हाँ। मेरे मैंने इसको उतार के रख दो भाई हाँ। ये एक है चीज हाँ। तो बाकी तो शुक्र अल्लाह का अच्छी गुजर गई खाया खाया पिया कुछ यूनिक कुछ आ... या वही अच्छा एक आपको मैंने एकदम पहले भी बताया बताया था एक हमारा ईद पे एक होता है स्पेशल एक तो नहीं नहीं वो तो वो तो हर एक के घर की है ना

तो उसकी तस्वीर मेरे पास है मैंने स्पेशली इसलिए ली थी क्योंकि मैं अक्सर हाँ। तो है, है। तो ईद हाँ। के, हाँ, तो के पहले दिन नमाज के बाद मैं और मेरा भाई जब कब्रिस्तान जाते हैं तो वापसी पे वहां पे एक बड़े मशहूर एक जगह है मुल्तान जिसका नाम है दौलत गेट वहां पे वो चने और वो डोली रोटी मिलती है यस yes. और वो सिर्फ ईद पे खाने का मजा चल okay, है ईद है। <laughs> हाँ। की मेमोरी है ना उसे खाने हाँ हाँ हाँ। 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 और मेरे कोई ने खास नहीं है गांव में बड़े मजे के खाने थे मेरे अंकल का मेरे मामू का जो बेसिकली शेफ़ था उसने बड़े मज़ेदार बदामी मटन कोरमा और मटन पुलाव बनाया हुआ था और उसमें जो एक पुलाव होता है जिसमें अचार होता है आम का ओके बहुत वाइट सब पुलाव था और उसमें अचार कहीं कहीं आता था तो उनमें एक स्पाइस था एक मज़ेदार सा वो खाया वो इट वॉज सो गुड मैंने क्या बनाया था मैंने और वो तंदूर में... की रोटी ओ? वो जो अक्सर डिस्कस होती है कि ये तंदूर की रोटी वो तंदूर की रोटी नहीं है जो गांव में मिलती, है।, मैंने स्पेशली खाई मैंने कहा मैंने चार खानी है ओ कनक, नहीं मिलने कनक के आटे की वो जो कड़क के आटे की और वो जो सरा सख्त और आ, क्रिस्पी और वो जो उसकी साइड होती है बस उसके ऊपर बटर डाल दो बस क्यों? लग <laughs> चले कोई नहीं कर लेंगे कुछ भूख का भी हाँ कर लेंगे, कर लेंगे जी मैंने बनाई थी सवैया ईद से एक रात पहले उसको कहते हैं फ्रूट फ्यूजन की रेसिपी थी उसको कहते हैं नवाबी सवैया वो लेयरिंग होती है नीचे सवैयों को फ्राई करके और उसको थोड़ा सा वो करके एक लेयर लगाई ऊपर कस्टर्ड की लेयर लेर लेयर लगी और ऊपर फिर सवैयों की लेयर तो वो एक अच्छा साल तो उसके अलावा तो वही नॉर्मल बिरयानी गोश्त वो चीजें सेम इधर भी मेरे घर हाँ, में भी यही हाँ, नॉर्मल था तो यही आलू की पलाव आलू की माउफ आपके घर का आई लव

कि ना अब शिमला मिर्च बहुत ओवर लगती है पहले हम लोग बड़े शौक से खाते थे शिमला मिर्च की शिमला मिर्च शिमला शिमला मिर्च मिर्च चिकन अब कहते कब नहीं बर्दाश्त शिमला मिर्च को आपने हाँ, बहुत यूटिलाइज हाँ, कर लिया है सैंडविचेस में, हाँ, हाँ, में भी डल गए वो पिजो में भी डल गए पास्ते में डल गए जगह जगह डल गए ना शिमला मिर्च बस मेरी वो मेरी बात सो गई है तो यही कुछ चल रहा है

जरूर जरूर देख देखे है। हाँ। अच्छा हमारे पास पांच ड्रामाज हैं जिनमें से चार मैंने वॉच किए हैं एक मैंने जी. नहीं रद है कॉन्ट्रैक्टर्स है अखाड़ा खुमार एंड अब्दुल्लापुर का देवदास की लास्ट एपिसोड जी लास्ट वाले से पहले शुरू करेंगे दो शुरू वाले हैं एक लास्ट वाला है और दो रेगुलर है रेगुलर ठीक है

हो ये तो तो आप आप बहुत डिटेल्स डिटेल्स में में जा रहे हो ना। ये है जब आप में जाओगे हाँ। तब तो 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 हाँ। जाओ। अच्छा, शहरोज की डेथ कैसे हुई शहरोज की जो मां अर्जुमन रहीम थी उसकी क्या बैक स्टोरी थी वो क्यों अपने बेटे के खिलाफ थी क्या आपने हम लोगों को खुदू समझा हुआ है ठीक है

मुझे किसी चीज का मजा नहीं आया वो खुदा दे आ बंदे आ हाँ। कितना बुरा था वो कितना कितनी बार दिखाना था आपने आपने हद कर दी यार आपने हद कर दी उस चीज को वो करने की आपने सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे जिस पे है पर्ची 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 वाज वेरी बैड यार अल्लाह मुझे माफ करिएगा पर्ची uh, प्रूव्स के वो पर्ची है वो पर्ची है वो पर्ची वो क्यों है यार वो सीन सो बैड जब वो जब वो बिलाल बास उसको मिलता है, फखरी है उसको मिलता है, और वो उसको कहता है कि से से तुम कर लो, हम क्रिकेट खेलेंगी, हम ये करेंगी, हम क्रिकेट हाँ, ये वो थोड़ी सी सीख आपके इतनी अच्छी एक्टिंग कर अब देखो मेरी बात सुनो हाँ

ठीक है हाँ, तो इस तरह हाँ, से जाओगे ना जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर भी आपको ये कहेंगे ना कि आपके बेटे सो दिंग इज की जब आप इस तरह की एक्टिंग दे रहे हो अर्जुन कपूर लेवल टाइप की जिसमें जिसको अर्जुन कपूर जिससे बॉलीवुड के लिए एक बैड डेपटेशन है उन्होंने भी अच्छा काम किया हाँ तो ये वाली जो चीजें थी नहीं यार वो सीन बहुत बुरा था जो बिलाल का और उसका था उसमें लाइक हाउ हाउ नॉट टू एक्ट बिलाल ये थे और ये बंदा पताल में गिर सकता हूँ मैं जमीन गड्ढो और उसमें गिर जाऊं मैं इतनी नीचे हाउ नॉट टू एक्ट ये एक्टर्स को दिखाना चाहिए हाँ, हाँ, कि तरह करना आपने नहीं तो आपकी नैया लुटिया डूब जाएगी आपकी हाँ। मुझे नहीं पसंद आया मुझे सारा भी पता नहीं क्या मुझे समझ नहीं आई कि ये किस स्क्रिप्ट है जिसके लिए सारा भी एग्री हो गई बिलाल भी एग्री हो गया जा, जा, सर नदीम ये कैसे एग्री हो गए इन्होंने क्या इसमें इसमें क्या डेप्थ क्या थी ये कहानी किस चीज के बारे में थी ये कहानी एक इश्क की कहानी थी या वो इवन वो जो आपने वो वो कंक्लूजन देखा आ, अपनी अबासी का अनुषा वाला उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे मैं तुमसे पूछूँ क्या था बनवा ले, नहीं तो अल्लाह मुझे नहीं समझ आई तुम दुबई चले जाओ वाज दैट तुम शादी करके अपने खजम को दुबई भेजना चाहते हो ताकि मेरी जान छूटी रहे इससे तो फिर तुमने खाला की बात तो ना मानी ही नहीं था मुमताज की व्हाट वाज दैट वो काशिफ हुसैन को आपने दिखाया है बीच में चार पांच एपिसोड एपिसोड में वो भी गायब था हाँ। उसकी शादी ना करवाई और उसकी वो जो एक आ, चल रही थी स्टोरी उसके हाँ। समय वो भी नहीं समझ लगी कि क्या था वो क्या नहीं सलाबत आ, सलाबत थी था ना, जो सलाबतारा सबसे पहले हाँ।

जिसको काश्व 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 कहते हैं क्या क्या उसका है एक और चीज कुछ चीजें जो आप रहे थे वो उनकी भी मुझे कोई सेंस नहीं लगी वो जो दस भी टूट जाती है अब इसको पढ़ने वाला कोई और है। अब वो, कुछ वो कोई बन जाएगा लाइक कोई साधु टाइम वो भी यही तस्वीर पढ़ा करेगा कंक्लूजन कितना बुरा था

ऊपर ये ये आपने <laughs> ये आपने आपने शुक्र मुझे मुझे जो लॉलीपॉप दिया था था वो, वो, वो सच अल्लाह का, का कि हो मज़ा मज़ा नहीं नहीं आया मजा नहीं आया वेरी वेरी डोगर आपको सोचना चाहिए प्लीज़ अब कोई और ड्रामा वो तो नहीं कर रही तू बहुत राइटर है

ये ये भी मैं मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा दुख मेरे ज़िंदगी के तेरा घंटे जाया के इस ड्रामे ने जी, जी, ठीक है जी। है तो मैं बड़ा दुखी सॉरी टू तो थे <laughs> ये वो राज है जो किसी को नहीं होना चाहिए प्लीज ये है? भी वो राज है जो बहुत बुरा ड्रामा था अंडर

मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ये दो किस्तों वाले ड्रामों का क्या चचा चा पपा पपा है ड्रामे कम होते हैं ना उनके पास तो वो कहते हैं कि दो किस्तों में तब तक नया ड्रामा हमारा तैयार हो जाता है तो यही कर रहे तो हो तो कर तो वो भी दो किस्तों वाला होता है होता तो वो भी दो किस्तों वाला है हाँ आपको ये चीज़ अच्छी लगती है मूड ये बेहतर नहीं है कि कब शूट कर ले कब दिखा दे और क्वालिटी का दिखा दे रा

<laughs> बा बुखारी नसीर, मोहम्मद अहमद दानियानवर, अस्मा अब्बास तो कैसे क्या कहेंगे अच्छा कहानी है तीन लोगों की ईमान सलार और जैन की ईमान 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 से अच्छा जो ईमान है वो एक जैसी हमारी हर ड्रामे की होती है उस तरह की जॉब करती है एडवरटाइजिंग एजेंसी में वो जॉब करती है और वो जो है वो बहुत ज्यादा अल्लाह तुम्हारा भला करे उसकी पाबंद है सोमो सलाद की तो नहीं नहीं आ, वो बहुत फेमिनिस्ट टाइप है बहुत रेडिकल व्यूज़ पसंद ये हाँ। चाह रहे थे आप हाँ बहुत रेडिकल व्यूज हैं उसके चीज़ों को लेके और वो दकीन उसी सोच बिल्कुल नहीं रखती जिस तरह हर ड्रामे की हिरोइन होती है उस तरह की हिरोन है दूसरी तरफ है हमारे पास सलार जो कि प्ले करें शहरिया मुनवर जो कि बहुत मल्टी मिलियन बाप के बेटे हैं उनके को ड्रामाज हैं बचपन के और वो जो है वो ईमान के बाप की दुकान के साथ इनकी दुकान है और वो बैठे होते हैं वहाँ पर जी और ईमान से बहुत बेतहाशा जो है वो इश्क करते हैं लेकिन कभी उस बात को उन्होंने बावर नहीं करने दिया तीसरी तरफ हमारे पास जैन जो कि हैं बेटे असमा अब्बास के और भतीजे हैं वो इसमत जैदी के असमा अब्बास जो हैं वो क्योंकि सारी ज़िंदगी नंद सर पर बैठी रही है बानो। उसकी वजह से बानो बानो आपा तो वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो चुकी हैं वो चाहती कि उसके बेटे बेटे का रिश्ता वो खुद करें बेटा जो है वो जर्मनी में मकीम है और असलान नसीर वो प्ले कर रहे हैं यही वो रिश्ता देखने आए हैं ईमान का तो ये ड्रामे की कहानी है कैसी लगी दो yes. uh -huh. <laughs> होता है। इसलिए minimal, minima, हैं कि वो हम देख चुके हैं पहले कुछ चीजें काफी सारी आई नो बट जो अच्छी चीजें हैं वो ये है कि एक्ट्रेस uh, की लुक्स पे काम है हाँ, हाँ. तो उनके रेगुलर लुक से डिफरेंट है, different है हाँ, Uh, हाँ. जैसे शरियार बराबर को वो धुंधली हाँ, जमीन दुद्ली के कुर्ते जमीन सारी पहनाते थैंक गॉड मैंने एक हफ्ते पहले पहन लिया वो कुर्ता हाँ, हाँ. <laughs> और आप रेगुलर पहनते हैं हां सो दैट के आ, वो कोई हमने शरियार क्या बोलेंगे इंप्रेस्ड या शरियार इंस्पायर्ड नहीं था खैर दुदली जमीन एक एक ब्रांड है उनके हैं ये कुर्ते जिस तरह के अभी हाँ, मैंने हाँ, पहने हुए हैं हां इसी तरह so, के सो वो मुझे अच्छा लगा कि वो उन्होंने फिर तीन चार जितने भी हाँ, उनकी चेंजेस थे तो उसमें वो सारा वो प्रॉपर वार्डरोब पे काम हाँ, हुआ होगा सेम गोज़ फॉर हिबा हिबा का जो स्टाइल हाँ, स्टेटमेंट है हाँ, वो उनका कंसिस्टेंट नजर आ रहा है और बड़ा कलरफुल सा है पैलेट कपड़ों का और वो चीजों का वो अच्छा है इसके अलावा जो मेरे लिए और इम्प्रेसिंग चीज थी वो थी हमजा ख्वाजा की एंट्री हाँ, entry. हाँ, हाँ। It's not oh, that okay. we have biasness नहीं, नहीं, for नहीं। him. हमारी बड़ी लोगों के लिए biasness होती पड़ है, बस बाद में फट पड़ते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, uh, but उसमें एक 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 स्टार क्वालिटी थी, जब वो आता है सीन में, तो वो एक impact create होता है। बहुत। As भी।

दानिया अनवर भी थोड़ा डिफरेंट गेटअप हाँ, में है थोड़ा सा है डिफरेंट हाँ सबके वॉटर प्रोडक्शन पे थोड़ा काम है आपको वो जर्मनी अगर आपने बाहर का कोई सीन दिखाना हाँ, है तो वो लगा कि वो बाहर खड़ा बाहर ही है।, है बाहर ही है हाँ। पता नहीं जहाँ का भी है वी डोंट नो बट वो लगा आ, कहानी तो अभी मुझे इतनी समझ नहीं आई मतलब क्या कह रही है कोई सोशल मैसेज है कि नहीं आई डोंट नो अभी नहीं समझ आई नहीं नहीं तो नहीं नहीं है। मैं मैं कहानी के बारे में कोई कमेंट कर सकता, बस। बस? हैं हैं। वो वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा अगर फीडबैक मुझे कैमरा वर्क बहुत पसंद आया पहली दफा डिफरेंटो okay, okay, yes, बड़ा डिफरेंट था आपका कैसे इंट्रोड्यूस होता है और किरदार कैसे कहीं जाता है कहीं आता है कुछ भी करता है तो वो बड़ा प्यारा था oh. और जब वो उनकी पहली मुलाकात होती है हमारे हीरो हीरो कह सकते हैं शहरियामनवर की और ईमान की वो बड़ा प्यारा सीन था oh. ये ट्रीटमेंट मुझे बड़ा पसंद बड़ा फ्रेश है कुछ चीज़ें बड़ी मज़े की लगी मुझे इस चीज़ में मुझे ये चीज़ पसंद आई उसके अलावा मुझे क्या पसंद आया है okay. उसके अलावा कुछ भी लाइकेबल है मतलब कहानी अरसलान कहानी वही सेम मैं जानने जहाँ वाली बात करूँगा जो जानने जहाँ बात की थी कि ये कहानी 2012 10-8 में चल सकती थी 2024 में ये कहानी मेरा ख्याल है कि शायद आवाम को इतनी क्लिक ना करे शायद कर जाए आई डोंट नो जब आगे जाके देखेंगे तो जब परते खुलेंगे किरदारों की क्योंकि हमारे सलार के किरदार में काफ़ी परते हैं और उसका काफ़ी ड्रामाज हैं जब वो खुलेंगे तो शायद आ, लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाए अदरवाइज़ ये कहानी वही टिपिकल कहानी है उसमें कुछ नया है टिपिकल के अलावा ज़्यादा

लाउड ठीक है ठीक है, है मुझे ये समझ नहीं आ रही है आजकल होना जरूरी नहीं है आप चले जाए ना पीछे थोड़ा दो तीन साल पीछे आ जाए आपको कहा जाना है रकीब से आपको पता था मैंने कहा जाना है बट दैट बैकग्राउंड स्कोर इज गेम उठाने वाला आउट ऑफ द वर्ल्ड उसके बाद आ निसार ने चार पांच ड्रामे किए हाँ। हैं दिल ना उम्मीद तो नहीं जीवन नगर काबली पुलाओ स्ट गर्ण न्यूज हाँ। ब्रेकिंग न्यूज uh, कहीं पे स्टैंड uh, आउट नहीं किया बैकग्राउंड स्कोर बट इन दैट पर्टिकुलर ड्रामा वो पे वो हाँ पे वो तीन चार बैकग्राउंड स्कोर वो ज्यादा हिट हो इवन रजा राजा करती में

तो so, की लगदी की लगदी दिल ते अब अभी भी सुनते हैं हां बिल्कुल ऐसे ठीक है और एक वो जो एक वो बड़ा एक सैड म्यूजिक वो अब हां जो कि फना में यूज हो रहा है हाँ, आजकल से मिलता जुलता म्यूजिक सो वो फैक्टर नहीं है वो नहीं है ठीक है ठीक है ये भी मामला तय हो गया एक्टिंग्स पे आए एक्टिंग कैसे लगा मुझे अपार्ट फ्रॉम हमजा ख्वाजा उसको हमने साइड पे कर दिया ठीक है नहीं। उसके हम बात भी करें हाँ। ऐसा लगा जैसे ये हम ना एक नई एक्टिंग देख रहे हैं बाय शरियार मुनवर एंड हिबा हाँ। मतलब इसकी ये तारीफ की बात नहीं है मैं बात की ना हाँ। तारीफ नहीं है कि हमने ये एक्टिंग में थी। मुझे लगा कि जैसे कभी इन्होंने एक्टिंग की ही नहीं मतलब एक अप्रोच दोनों की कहीं थम सी गई मतलब वो हिबा के सीर हिबा के नहीं लगे हाँ वट यू थिंक बिल्कुल ऐसे और मुझे लगे उनकी आवाज़ भी असली नहीं यूज़ की गई पता नहीं क्यों हालांकि आवाज़ उनकी अपनी ही होगी डब डब उन्होंने अपनी आवाज में करवाई मुझे लगा उनकी अपनी आवाज भी नहीं है पता नहीं क्यों और एक्टिंग वो नहीं थी हिबा जो मैं देखता आया हूँ हाँ जो मैंने देखा है वो नहीं थी वो नहीं थी और शहरियार की जहाँ अरसलान सी की तो हम बात ही नहीं करे उनको हमने स्टैंप लगा दी हुई है ठीक है कि नहीं ये कहाँ Uh, अभी फिलहाल पहली दो एपिसोड्स में तो उनके किरदार में कुछ करने के लिए भी ऐसा नहीं था लेकिन जो था वो बुरा ही था uh, जैसे वो एयरपोर्ट पे उनकी एंट्री होती है और वो पता नहीं क्यों मिसरीरिया सा हंस रहे हैं मुझे नहीं पता और वो मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती वो जो डिनर पे सीन होता है और उसमें उनकी खसी चल गया है हाँ क्यों चल रही है क्या ज़रूरत है इट वॉज वेरी स्माइल हर जगह रिक्वायर्ड नहीं होती आपकी हाँ। आपका किरदार कुछ ये बगैर भी बहुत कुछ कह जाता होता है समटाइम <laughs> आप तो असला नसीर के पीछे ही पड़ गए हैं अच्छा शहरयार की तरफ आए तो उनका जो करेक्टर है ना वो अभी एक मिस्ट्री है तो उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता वो बड़ा ठंडा लेकिन वो हो सकता है वो उसके उनके करेक्टर की रिक्वायर्ड व्हेन वाज द लास्ट टाइम इन शहरयार इंप्रेस्ड यू एज एन एक्टर व्हेन वाज द लास्ट टाइम जिंदगी गुजार

उस तरह से आप डायलॉग डिलीवर नहीं कर पा रहे yes, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, है कि आंखें कुछ बोल रही है और आपका मुंह कुछ और किरदार ही इतना कन्फ्यूज है लेकिन जो कंफ्यूजन आप दिखाना चाह रहे हो वो बड़ी ठंडी है मतलब वो मुझे एक्साइट नहीं कर रही है इसकी एग्जाम्पल देता हूँ आप को क्वीन की हाँ ठीक अब आ, रानी इन क्वीन वाज वेरी कंफ्यूज पर्सन पर पर्सन परसन ना, ना। <laughs> लेकिन आ, उसकी कंफ्यूजन आपके अंदर आ जाती है हाँ हाँ बिल्कुल सो so, आप वो फील करने लगे तो हाय क्या क्या गेटिंग माय पॉइंट वो क्यूटनेस है का so, सो वो कंफ्यूजन इधर ये ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है बट इसमें एक वो है ना एक कुछ है जो डरता है वो जिसको ट्रॉमास ट्रॉमास सो so, वो वो जो उसका है, hmm. वो मुझे ट्रांसलेट है, मुझे एक तो 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 नहीं हो hmm. तो नहीं हो हो रहा, रहा, hmm. अगर उन्होंने कर दिया के मेरे साथ मेरा तो ये है, आगे आप इसको रिवर्स करें एनर्जी hmm. हमें ये चाहिए hmm. स्क्रीन पे हमें ये नजर आ रही है hmm. किरदार बोलता जो है जो उसके अल्फाज है या जो उसके डायलॉग्स है जो उसके करेक्टिस्टिक्स है वो बड़े

हाँ आपका एक्सप्रेशन भी फ्लैट है आपका एक्सप्रेशन भी कहीं लोड नहीं होता कई सिचुएशन आई नहीं दो में जैसे बहन के ससुराल के मसले मसाइल हो गए उसका बेटा क्यों हो, बेटा क्यों नहीं हो रहा बेटी हो रही है या पैसे अगर शहरियार दे रहा है तो बड़े सारी ऐसी आई थी जहाँ पे उनके ये एक्सप्रेशन होने चाहिए थे वहाँ पे हाँ, भी कुछ नहीं हाँ। uh, एक ये कोई नहीं है, जो बड़ी बहन बनी हुई है सवेरा इज गुड अच्छा कर रही थी शी इज गुड हाँ वो डिलीवर थी वो

यस yes. uh, उसके बाद आता आहिस्ता आपका कर, आपके कर, जो है वो uh, या आपकी एक्टिंग हो रही है जैसे हमने तेरेश के नाम में देखा था नहीं बट जन्नत 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 से आगे। जन, हाँ, जन्नत से आगे में ठीक थी हाँ। oh. तो फिर आई बहुत uh, yeah. <laughs> hmm. सारी चीजें दिखाना चाहते हैं बट वो दिखा नहीं रहे मतलब जोया की डिलीवरी के टाइम हाँ। जोया नहीं दिखाई जोया नहीं दिखाई हाँ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टार कास्टिंग का इशू हाँ। हो सकता है मतलब आई डोंट नो बट द रीजन बट दिखा सकते हैं दिखा सकते हैं अभी जैसे उस लड़की जो बड़ी बहन है वो हमें कैसे पता लगेगा कि उसको इतनी ज्यादा ह्यूमिलेशन हाँ। हुई उसका है उसका ससुराल दिखाएंगे हां दिखाएं। उसकी सास दिखाएंगे उसका दिखाएं। चोहर दिखाया था लेकिन वो भी एक so, वो भी तो सारी चीजें हाँ। आप सरफेस पे कर रहे हो कि ऑडियंस खुद समझ जाए नहीं तो, नहीं हम नहीं कि थोड़ा सा बड़ी बहन के साथ दिखाए उसका ससुराल में जो माहौल है वो दिखाएं टॉक्सिक माहौल दिखाएं जमील और उसको दिखाएं सबको दिखाएं क्यों नहीं दिखा हाँ। रहे

अच्छा जी दिस ड्रामा इज रिटन बाय मोहम्मद अहमद एंड शाह यासिर एंड इसकी जो डायरेक्टर हैं वो है मेरीन जबार इसकी मेन कास्ट में शामिल हैं मोहम्मद अहमद शमीम हिलाली एंड मामिया शजाफर जी ठीक है जी अब जी ओवर टू यू ओवर टू मी आई लव दिस ड्रामा ओके सो गुड इट्स फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा ओके इज एवरीथिंग ओके ओके इट्स द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास आज पता नहीं ना लग रहा ah. क्या हो जाए So, नहीं वो आ, कह देता कट 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 अच्छा <laughs> तो जी आ, मुझे ना कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आया इट्स सस्पेंस ड्रामा एक्चुअली uh, दिखाते आपके किरदार शुरू में इंट्रोड्यूस होते okay, हैं दो हस्बैंड एंड वाइफ ओल्ड एज है और उन्होंने अपना बेटा खो दिया है ओके okay, ठीक so, है एक एक अपनी जो किराएदार है उसको एस बेटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और अच्छा अब इनको कोई टास्क भी दिए गए हैं एक

सॉरी uh, दो कत्ल हैं जो कि इनको आए हैं और चारों के जो लोग करते हैं उनका वो किसी एक उससे लिंक्ड है किसी करप्शन करप्टेड ऑफिसर्स okay. के थ्रू okay, जिनके okay, खिलाफ okay, कोई ना okay, कोई okay, मुकदमे okay, चल रहे हैं ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा अब अभी जो एक कत्ल इन्होंने किया है उसमें ये प्रॉब्लम ये हुई है कि

हाँ। तो ना जी जब अब जो दूसरा भाई है बेसिकली वो वो है ना अपना आगा अपना मुस, आगा अच्छा। मुस्तफा आगा मुस्तफा नाम है ना उसका हाँ हाँ ठीक है यही नाम है हाँ तेरे बिन तेरे बिन और खुमार हाँ। अब वो

अब कुछ लिंक्ड स्टोरीज हैं जिनके लिंक्ड ये सारे कत्ल हैं और okay. वो अच्छा बाय द वे मोहम्मद महमूद जो है ना क्या नाम है महमूद में? महमूद असलम महमूद असलम वो okay. भी है ओके ओके okay, okay, okay. वो है वो रिटायर्ड ऑफिसर mm जो के असाइनमेंट जो असाइनमेंट से एंड

बाद बाद और जो है वो 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 चीज़ पे है जिस वो थी कि हरीम को तलाक दो हरीम को छोड़ दो हरीम के बाप ठीक ने ने है उधर भी एक मैय का समा था जो बहरून सा बिल्मा का जो एक मैय बनी हुई थी वो भी और फिर वो एक आंटी का और उसका जो सीन था नीलम का और आंटी का Uh, कोई है गिल्टी प्लेयर अभी भी लेकिन अब वो गिल्टी प्लेयर भी थोड़ा सा हो अच्छा इस दफा दो एपिसोड में मुझे ये चीज़ समझ है कि फ्लैशबैक कोई नहीं था एक भी नहीं था दो थे थे छोटे छोटे थे थे छोटे छोटे से थे।, लेकिन थे अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारी फ्रेंड जो है इवेंट प्लानर थी ये इंटीरियर डिजाइनर भी बन गई है जी कब है यार वो जो कैफ़े में गई थी जहां पे इसको वो मिला था वकास हाँ हाँ हाँ। तो के हाँ। था। तो वहाँ पे वो ये नहीं कह रही होती कि ये भी हो गया वो भी हो गया बाहर से भी देख ले ये मुझे नहीं समझ आई इवेंट कर वहाँ पे रहा था नहीं हो रहा बैठी दे

अदरवाइज तो वो कुछ भी नहीं था अदरवाइज हाँ, एपिसोड हाँ. में भी कुछ नहीं था लाइबा का बार बार हरीम भाभी हरीम भाभी हरीम भाभी हरीम भाभी और वो सब्जवारी भाई भी बार बार हरीम बेटा हाँ, हरीम बेटा वो कुछ नहीं था वो क्या है कुछ नहीं कुछ नहीं चले नहीं मज़ा आया हाँ, स्टोरी में कुछ डिस्कसेबल नहीं है असलान इन दो एपिसोड्स में

उन्होंने बेवकूफ लट दिया बेचारी सारी मर रही है सी वाली आंटी नहीं मर रही उनको कैंसर भी है बाय द वे हाँ वो तो बड़े सालों से <laughs> लेकिन वो नहीं उनको कुछ नहीं हो रहा

फना में वो बहुत ही फेयर्स है तीसरा कौन सा है चार नगर में वो पुलिस वाले बने हुए थे ना सो उन्होंने अपनी एक पर्सनल प्रमोशन वीडियो डाली हुई थी दीपा पे चार नगर में आपको बताऊं एक एपिसोड में आए थे दस मिनट के लिए <laughs> आप अगर मुझ पे यकीन नहीं करते तो मैं वो पोस्ट यहाँ चलवा दूंगा जी मैं देख लूंगा खुद ही देख लूंगा कोई मसला नहीं बट वाई बढ़वाएं बढ़वाएं चले।, चले ये वो वाली वीडियो की आप एक्टिंग कर रहे हैं मुझे आ, बच्चा आ, <laughs> किसी आ, औरत मार्च पे होता है नहीं नहीं ये वो है ये वो था दानिश जो यूट्यूबर नहीं है अच्छा अच्छा जो रेडी के ऊपर रिश्ते बेच रहा था कि अच्छा, डॉक्टर ले लो इंजीनियर ले लो उसकी वीडियो बढ़वाएं चले चले जी मूवी गॉड टू अखाड़ा

अच्छा एक्चुअली एक तो क्रिएट भी ऐसे कर करना है ना कि कुछ है नहीं मतलब प्यार ही नहीं है ना दोनों को आपस में लेकिन डायलॉग्स तो ये नहीं कह रहे आशू को तो है ना प्यार डायलॉग्स फिर ये नहीं हाँ। कह रहे ना अशरफ को नहीं आशू को तो है ना, मुझे आशुक आशुक भी नहीं शो होता। हाँ ना कुछ लोग से हैं बस ही रो, ही रो की मुझे है केमिस्ट्री केमिस्ट्री ही होती है तुम्हारी मेरी है

सिर्फ फिरोज की तारीफ इस एपिसोड में एक सीन फिरोज का बहुत अच्छा, अच्छा था बहुत हाँ अच्छा कि मेरा मेरा ना अन इंटेंशनली मुंह से वाह निकल पड़ा ना उसका थी इतना अच्छा वो सीन वो जो था जो पावरफुल सा सीन था ना वो माय oh गॉड से देखे तो उसकी वो वो माय गॉड वो नजर आना बड़ा मुश्किल होता है वो लग रहा था सचमुच इस टाइम गुस्से में और ए, इसको अपनी बहन के ऊपर गुस्सा है और इज्जत के नाम पे अपनी बहन को कत्ल करके रहेगा लेकिन वो करना सच नहीं में चाहिए। लग रहा था नहीं करना चाहिए इस तरह ही फिरोज ने बहुत अच्छा वो सीन किया मेरा दिल किया तालियां सीन के लिए वो अच्छा सीन था उसके अलावा क्या था उसके अलावा कुछ नहीं था चौधरी साहब और मेरे निशानी चाहने ने कोशिश की

की वजह से है जी उसको तो वो बैकग्राउंड नहीं पता तो जब उसको बैकग्राउंड पता चलेगा तो शायद जो है हाँ, वो सिनेरियो कुछ हाँ, चोर हो हां हां हाँ। तो रुस्तम इज नॉट अ बैड गाय रुस्तम इज अ गुड गाय मेरे ख्याल में रुस्तम इज अ गुड गाय या हाँ लेकिन ये जो खिचड़ा पका है ना कि शामोना बासी का जो सारा जिम का और ये ये इसका जरूरत नहीं required, इस, वो उसका मुझे नहीं समझ लग रहा नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल

तो ज्यादा तो सितारा के बाप का हमें पता है कि वो इस टाइम ये करेगा वो करेगा <laughs> सितारा का कोई नहीं पता हाँ अच्छा और आ, क्या हुआ और वह चौधरी साहब ने वो को शादी हो रही है रेश, तो आ, उसकी रेशमा की और जमशेद की जमशेद हाँ वो हो अगले एपिसोड में और अगले एपिसोड या उससे अगले एपिसोड आ रही किस्त होनी चाहिए मुझे लगता है एंड होने वाला है हाँ हाँ

चलो ऑन दे दिल ठीक है वो बड़ा अच्छा सीन था सीन बहुत अच्छा जी ऑस्कर ऑस्कर में देना चाहूंगा जी जी अपना जो है हमारे लजतआलिश हां जी ठीक है, है। <laughs> फ्रॉम अगला मुकद्दीमदास बिखर गई थी इसीलिए उसको चुन रहा हूं और इसके अलावा वो आप कोई देना चाहते हैं ऑस्कर नहीं बस ठीक है यही है कमेंट्स हम आज एपिसोड में छोड़ दें क्योंकि हाँ बहुत पुराने हो चुके बहुत पुराने भी हो चुके हैं है। और आप आज हमारे थोड़ा तबीयतें भी नहीं थी एनर्जियाँ डाउन एनर्जियाँ बहुत डाउन <laughs> है आज हमारे साथ बहुत बुरा दिन है हाँ। कभी इस दिन के बारे में खुल के डिस्कशन हाँ। हम किसी ऐसे शो में करेंगे हाँ। जहाँ पे कर... जहाँ हमारे, पास, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर हो अभी राइट नाउ वी मेंटली सिक सेक एंड बड़ा गंदा लफ्ज मेरे मुंह पे आ रहा था हाँ जी सो आई थिंक ये इसी के साथ ही आज का शो हम इख्त की तरफली बड़ी मुश्किल से ये वाला शो है, ये नो <laughs> <laughs> क्या क्या चला है अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखे तो हमारे वीडियो और लाइक ज़रूर क्योंकि like लाइक करने से हमारे चैनल को रीच मिलती है बस इस तरह की इन्फॉर्मेशन देख इन्फॉर्मेशन मज़ी इस तरह की सब्सक्राइब कीजिए अब हम आपको मिलेंगे कल मोर्निंग फुल में तब तक के लिए मुझे और दिए इजाज़त अल्लाह